अमेरिका में पिछले 100 साल के सबसे भयानक तूफान इडालिया ने 4 राज्यों को दहला दिया। कैरेबियाई देश क्यूबा में भयंकर तबाही मचाने के बाद इस तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा को भी तहस नहस कर दिया। इसके बाद उसने दूसरे राज्यों का रुख कर लिया, जिससे फ्लोरिडा के बाद अमेरिका के 3 और राज्यों पर तबाही के बादल मंडराने लगे, क्योंकि फ्लोरिडा का मंजर देखकर ही अमेरिका के लोग खौफ से भर गए। वहाँ ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहाँ इस तूफान का असर न पड़ा हो। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं दिया। तूफान ने हजारों मकान या तो तोड़ डाले या फिर उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ा। रही सही कसर तेज बारिश ने पूरी कर दी, जिससे ज्यादातर इलाके बाढ़ में डूब गए। लेकिन फ्लोरिडा के बाद अब तूफान अमेरिका के जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ गया। ऐसे में आशंका जताई गई कि फ्लोरिडा की तरह वहां भी इस तूफान का भयानक असर देखने को मिल सकता है। इस बीच अमेरिका में फ्लोरिडा के गवर्नर ने इडालिया तूफान के दौरान लूट की कोशिश करने वालों को गोली मारने की चेतावनी दे दी। ये सख्ती इसलिए बरती गई क्योंकि इस आपदा के बीच वहां लूटपाट के कई मामले सामने आए। जबकि इडालिया तूफान से फ्लोरिडा के सभी शहरों में हाहाकार मच गया। हजारों मकान टूट गए तो सैकड़ों पेड़ जमीन पर गिर गए। निचले इलाकों का तो और भी बुरा हाल हो गया। वहाँ समुद्र का पानी सैलाब बनकर घुसा और उसने सभी जगहों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हजारों लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए तो सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन इस तरह के खाली घरों में वहाँ लूटपाट की भी कुछ घटनाएं सामने आने लगी हैं, जिसे देखते हुए फ्लोरिडा प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। वहाँ के गवर्नर ने तो ये भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो उसे गोली मार दी जाएगी। यानी इस आफत के बीच प्रशासन अपराध करने वालों पर कोई रहम बरतने के मूड में नहीं है। उधर इडालिया तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा के बाद जॉर्जिया में भी भयंकर तबाही मचा दी। फ्लोरिडा में एक दिन पहले इस तूफान ने हाहाकार मचाया, जिसके बाद वो अमेरिका के दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ गया। और फ्लोरिडा के पड़ोसी राज्य जॉर्जिया में पहुंचते ही इडालिया तूफान कहर ढाने लगा। तेज हवाओं के साथ वहां भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जॉर्जिया के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि तूफान की वजह से वहां कई पेड़ उखड़ गए। बारिश इतनी तेज होने लगी कि दिन के उजाले में भी बाहर ठीक से दिखना बंद हो गया। इसी तरह की तस्वीरें जॉर्जिया के कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक जॉर्जिया में अगले कुछ घंटों तक लगातार तूफान का भारी असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में भी इडालिया तूफान तबाही मचा सकता है। इन राज्यों में भी मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई। पर इस तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के फ्लोरिडा में दिखा। वहां से इडालिया तूफान के तबाही मचाने की डरा देने वाली कई तस्वीरें सामने आई। इस तूफान की वजह से फ्लोरिडा के कई इलाकों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे वहां भारी तबाही देखने को मिली। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि प्रचंड तूफान ने कई मकानों को तिनके की तरह उड़ा दिया। जिस इलाके से ये तस्वीरें सामने आई, वहां पहले तो काफी देर तक तेज हवाएं चली, फिर धीरे धीरे वहां पानी का स्तर बढ़ता चला गया। हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने आफत बढ़ा दी। लेकिन इस तूफान के आगे लोग बेबस दिखाई दिए, क्योंकि देखते ही देखते कई मकान सैलाब में बह गए, जिसके बाद फ्लोरिडा के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने तूफान में फंसे कई लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और फिर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इडालिया तूफान की वजह से कई घंटों तक बारिश हुई, जिससे ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और अमेरिका में मची तबाही के बीच साओला नाम के तूफान ने चीन में दस्तक दे दी, जिसके बाद चीन खौफ में आ गया और वहां के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और इसे सबसे खतरनाक तूफान बताते हुए चेतावनी जारी भी की, जिसके तहत वहां के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश और तूफान आने की संभावना जताई। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक साओला तूफान की वजह से तटीय इलाकों में जमीन खिसकने का खतरा बढ़ गया और तूफान के खतरे के मद्देनजर वहां कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए और कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई, क्योंकि साओला तूफान के 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की उम्मीद जताई गई, जिसकी वजह से हांगकांग, फ्यूजियान और ताइवान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से तबाही हो सकती है।